हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं कैसे हम विंडोज 10 को इंस्टॉल कर सकते हैं हमारी VMware वर्क स्टेशन पर। देन हम उसको कैसे कर सकते हैं लाइफ टाइम तक एक्टिवेट। तो चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर आज हम इसको सीखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा VMware वर्क स्टेशन ओपन है। यहाँ पर मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन। देन इसको रख रहा हूँ मैं टाइपिकली रिकमेंडेड। देन नेक्स्ट यहाँ पर आई विल इंस्टॉल द OS लेटर। देन यहाँ पर आपको चूज करना है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। देन नीचे आकर जो यहाँ पर लिखा है वर्जन, आपको यहाँ पर आपका OS का वर्जन चूज करना है। आपके पास विंडोज 10 का 32 है या 64 है, मैं भी इंस्टॉल करूँगा 64। तो यहाँ पर मैं 64 पर क्लिक किया। देन नेक्स्ट यहाँ पर आप जो भी लिखोगे वो OS का नाम हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पर आप उसके दे सकते हैं लोकेशन कि वो कहाँ पर स्टोर होगा उसका फाइल्स। मैं भी दे रहा हूँ इसको, मेरा एक डेस्कटॉप में एक फोल्डर है VM नाम के, इसके अंदर वो रहेगा। ओके देन नेक्स्ट यहाँ पर ऐसे ही रहने देना है और कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट करना है बस। देन फिनिश हो जाने के बाद आपकी स्क्रीन में ऐसा कुछ आ जाएगा। ये आने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग्स। देन यहाँ पर आपको आपका रैम देना है, मैं यहाँ पर इसको 3 GB रैम दे रहा हूँ। 3 GB रैम देने के बाद यहाँ पर प्रोसेसर को ऐसे ही रहने दिया। देन नीचे आऊँगा CD/DVD सट्टा, यहाँ आके मैं चूज करूँगा यूज ISO इमेज फाइल देन ब्राउज, ठीक है। यहाँ पर मैं चूज कर रहा हूँ विंडोज 10, देन ISO इमेज चूज कर दिया, देन ओके। और आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है। इतना करने के बाद अभी इसको कर रहा हूँ पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। तो ये प्रेस यानी कि मैं प्रेस कर दिया, देन ये स्क्रीन आ गया 32 बिट 64 बिट। मुझे चाहिए क्या 64 बिट, 64 बिट जाके मैं एंटर मार दिया अभी। ओके देखिए ये स्क्रीन आने के बाद आपको करना है बस सिंपली नेक्स्ट देन इंस्टॉल नाउ। देन मेरे पास अभी की नहीं है, वो पूछ रहे हैं अक्टूबर के लिए, मेरे पास अभी की नहीं है प्रोडक्ट की। तो मैं भी कर रहा हूँ आई डोंट हैव प्रोडक्ट की, क्योंकि हम आज इसको फ्रीली यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चूज कर रहा हूँ विंडोज प्रो, देन नेक्स्ट। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ आई एक्सेप्ट लाइसेंस, देन नेक्स्ट। देन यहाँ पर क्लिक किया कस्टम आई इंस्टॉल विंडोज ओनली। यहाँ पर जो दिख रहा है मेरा ड्राइव 0, इसको मैं क्लिक किया और कुछ नहीं करना है, बस नेक्स्ट कर दो, अपने आप वो ड्राइव क्रिएट हो जाएगा। ये हो जाने के बाद आपको बस वेट करना है कब तक ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अगर चाहते कि थोड़ा फास्ट हो ये, तो आपको प्रेस करना है शिफ्ट F10, आपके पास CMD खुल जाएगा। यहाँ पर आपको प्रेस लिखना है TASKMGR एंटर। देन आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगा विंडोज टास्क मैनेजर। यहाँ पर आपको जाना है प्रोसेस, देन आपका जो यहाँ पर जो एक प्रोसेस चल रहा है सेटअप EXE, ये जो ये वाला पूरा वाला, यहाँ पर करना है राइट क्लिक, देन सेट प्रायोरिटी, इसको कर देना है हाई, देन चेंज प्रायोरिटी। इतना हो जाने के बाद देखिएगा आपका ये थोड़ा फास्ट इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए अभी 20% में हो गया है मेरा, इसको भी चलने दीजिए। I can only imagine we're dancing in the moonlight. देखिए जब ये 100% हो जाएगा, यहाँ पर वो आपको एक रिस्टार्ट के लिए पूछेगा। देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ गया रिस्टार्ट ऑप्शन, ये अपने आप रिस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देन ये अभी बूट होगा, ये अपने आप बूट होगा, आपको ऐसे ही छोड़ दीजिए बस। देखिए ये अपने आप बूट हो रहा है, देन अपने आप ये सेटअप स्टार्ट हो जाएगा।
देखिए यहाँ पर आने के बाद वो आपको पूछेगा कौन सा रिलीजियन चाहिए, मैं भी इसको ऐसे ही रख के नेक्स्ट कर दे रहा हूँ। देन यहाँ पर पूछ रहे हैं आपका कीबोर्ड कैसा चाहिए, मैं भी कर रहा हूँ इंग्लिश इंडिया, देन यस, देन इसको करना है स्किप। अभी आपको बोलेगा ये लगाने के लिए इंटरनेट, मैं अभी नहीं लगाऊँ इंटरनेट, देन कंटिन्यू विथ लिमिटेड सेटअप। अगर आप चाहते हो कि आपका जो अकाउंट आपके पास है माइक्रोसॉफ्ट के इसको लॉगिन करने के लिए, तो यहाँ पर आप कर सकते हो कनेक्ट नाउ, मैं भी कर रहा हूँ कंटिन्यू विथ लिमिट सेटअप, बाद में भी आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर यूजर नेम दे दे रहा हूँ मैं 11, देन नेक्स्ट, पासवर्ड को नहीं दे रहा हूँ मैं अभी, नेक्स्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ नो, क्योंकि ये वो पूछ रहा है कि वो मेरा जो भी मैं काम करूँगा वो उसको ट्रैक करेगा, मैं भी नो कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आप चाहते हो तो रख सकते हैं आपका असिस्टेंस, यह भी कर सकते, कर दे रहा हूँ डिक्लाइन, देन एक्सेप्ट। अभी ये लगभग 15 से 20 सेकंड लेगा, देन ये ऑन हो जाएगा। देखिए अभी मेरा ये इंस्टॉल हो गया विंडोज 10 VMware पे। अभी अभी इसको यहाँ पर ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। देखिए ये बोल रहे हैं कि आपका डिस्प्ले ड्राइवर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो आपको सिंपली क्या करना है ना, आपको यहाँ पर जाना है, आपको यहाँ पर जाना है VM, देन इंस्टॉल VMware टूल्स, ये कर देने के बाद आपका यहाँ पर एक आ जाएगा CD ड्राइव, दिस पीसी के अंदर देखिए DVD ड्राइव आ गया है, तो आपको बस यहाँ पर इसको करना है ओपन, इंस्टॉल, यस, नेक्स्ट, देन आपको उसको करना है कंप्लीट, देन नेक्स्ट, देन इंस्टॉल। ये इंस्टॉल होगा फिर आपका OS को बुक करेगा रिस्टार्ट, देन हम इसको करेंगे एक्टिवेट, ठीक है। तो इसको चले दीजिए, क्योंकि ये हमारा जितने भी ड्राइवर इसको चाहिए वो अपने आप इंस्टॉल कर देगा VMware। I can only imagine us both loving through the night. देखिए वो पूछ रहे हैं अभी आपको यू मस्ट रिस्टार्ट योर सिस्टम, वो बोल रहा है, तो एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं। देखिए अभी मेरा ये रिस्टार्ट हो गया है, अभी इसका जो डेस्कटॉप में देखिए दिस पीसी नहीं है, तो मैं इसको भी ला रहा हूँ पर्सनलाइज। यहाँ पर आपको जाना है थीम, देन यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है डिस्प्ले आइकॉन सेटिंग्स, यहाँ पर क्लिक करना है, जो जो भी आपको आइकॉन चाहिए इसको चेक लगा के ओके कर देना है, देन रिफ्रेश। देखिए मेरा यहाँ पर देखिए डिस्प्ले से आ गया है, अभी आपको दिखा रहा हूँ मैं राइट क्लिक प्रॉपर्टीज जाके, ये देखिए मेरा एक्टिवेट नहीं हुआ है, ठीक है। अभी हम इसको करेंगे एक्टिवेट, तो कैसे करना है, एक फाइल में दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, रार फाइल डिस्क्रिप्शन में, आप इसको जाके डाउनलोड करना है। तो मैं यहाँ से इसको ला रहा हूँ, अभी देखिए मेरे पास अभी ये था, देखिए आप अगर VMware टूल इंस्टॉल करते हो तो आपको ये फ़ायदा होगा, आप कोई भी चीज़ को यहाँ से खींच के यहाँ ला के रख सकते हो। देखिए अब यहाँ पर ये आ गया है, ये रार फाइल है इसलिए वो ओपन नहीं हो रहा है, अभी हम ऑनलाइन में ढूंढेंगे रार। ये देखिए जो पहले के आ रहे हैं विनरार डाउनलोड फ्री सपोर्ट डाउनलोड, यहाँ पर मैं क्लिक किया, देन यहाँ पर मैं डाउनलोड पर क्लिक किया विनरार डाउनलोड 64 bit, देन कंटिन्यू टू डाउनलोड विनरार। यहाँ पर देखिए ये मेरा डाउनलोड हो गया है, अभी स्कैनिंग चल रहा है इसका, मैं रन कर दे रहा हूँ, यस, इसको भी मैं कर दे रहा हूँ क्लोज, क्योंकि इसका भी ज़रूरत नहीं है, देन इंस्टॉल, देन ओके, डन। अभी देखिए मेरा विनरार इंस्टॉल हो गया है मेरे सिस्टम पर विनरार, जिससे कि ये जो फाइल था मेरा, देखिए वो विनरार का आइकॉन इसमें आ गया है। अभी देखते हैं हमारा विंडोज 10 एक्टिवेट हुआ है कि नहीं, देखिए यहाँ पर ये एक्टिवेट नहीं हुआ है, विंडोज इज नॉट एक्टिवेटेड। आपको क्या करना है ना, यहाँ पर करना है राइट क्लिक, देन एक्सट्रैक्ट हेयर, आपको पासवर्ड पूछेगा,
जिसका पासवर्ड है कोड विथ प्रधान, सारा लेटर हमारा स्मॉल लेटर है, देन बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, देन ओके। देखिए यहाँ पर मेरा ये एक्सट्रैक्ट हो गया है, इसको जब मैं ओपन कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन है, यहाँ पर एक है ई एन, एक है टी आर, मैं टी आर पे क्लिक किया, देन ये जो है यहाँ पर इसको किया राइट क्लिक ओपन। देखिए ये भी ओपन हो रहा है, देन आपको करना है यस। देखिए आपके पास ये सब ऑप्शन आ गया है, जहाँ पर आप इसका यूज़ करके आप विंडोज 7 को भी कर सकते हैं एक्टिवेट, विंडोज 8 को भी कर सकते हैं, 8.1 को कर सकते हैं, 10 को भी कर सकते हैं। देन जितने आप सर्वर हो गया, सर्वर 8, 12, देन आपका 16, 19, सारा सर्वर भी आप इससे कर सकते हैं एक्टिवेट। देन आपका जो ऑफिस है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010, 13, 16, 19 का VL वर्जन, आप सभी को इसका यूज़ करके कर सकते हैं एक्टिवेट। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, विंडोज 10 को करूँगा एक्टिवेट। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 2 जो है विंडोज 10 एक्टिवेशन, यहाँ पर 2 प्रेस किया, 2 देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है ना, बोल रहा है कि आपको कैसा चाहिए एक्टिवेशन, मुझे चाहिए डिजिटल, चाहिए डिजिटल विंडोज 10 आइकॉन डिजिटल चाहिए मुझे। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, इसमें क्लिक किया 1, थोड़ा वेट की वो अपने आप एक्टिवेटेड हो जाएगा। ये देखिए क्या कर रहा है, ये खुद से की जनरेट करके उसको कर रहा है एक्टिवेट। देखिए यहाँ पर देखिए मैं राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज गया, तो देखिए क्या हुआ ना, ये मेरा विंडोज इज एक्टिवेटेड, ये जो आपका एक्टिवेटेड हुआ है ये आपका हो गया परमानेंटली, ये आपका कभी भी एक्टिवेट कटेगा नहीं। आप इसका यूज़ करके आप किसी भी विंडोज को या किसी भी विंडोज प्रोडक्ट हो गया, जैसे कि आपका सर्वर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, सभी को आप कर सकते हैं एक्टिवेट। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।